अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज न्यू आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं आज अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ, तो बस फिर थोड़ा सा प्लान किया कि कुछ शॉपिंग पे जाया जाए, फ्रेंड वगैरह से मिला जाए। तो यहाँ पर मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, और फ्रेंड के साथ ही फिर मैं मून मार्केट गई इकबाल टाउन में, जो है शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, और जिन लोगों ने कभी नहीं देखा तो आज मैं उनको अपने साथ विज़िट करवाऊँगी। और ये मेरा ड्रेस है जो मैंने वेयर किया था, ये भी मैंने वर्दा कलेक्शन में से लिया था, उनके प्रेट कलेक्शन में से। ये मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है, काफ़ी ट्रेंडी है, मुझे बहुत पसंद है अपना ये ड्रेस। और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसके जैसा ही ड्रेस बनाना चाहें। तो बस जी, रेडी वगैरह होकर मैं निकल गई थी, और उसके बाद हम लोग मैं अपनी फ्रेंड से मिली, कुछ खाया पिया और फिर हम लोग मून मार्केट में आ गए। ये बहुत अच्छी मार्केट है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरह की वैरायटी इस मार्केट में मिल जाती है और बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। मेरी तो खैर बचपन की आदत है, मैं इस मार्केट में जाती हूँ और अभी भी मेरी वही आदत है कि जब भी मैं अम्मी के घर जाऊँ तो मून मार्केट और क्रीम ब्लॉक मार्केट का विज़िट मैं ज़रूर करती हूँ। और क्रीम ब्लॉक मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो मैं वहाँ का भी विज़िट करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, जो मून मार्केट है यहाँ से भी हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इवन अगर आप जस्ट यहाँ स्टॉल्स वगैरह से ही देख रहे हैं तो आपको बच्चों के घर पहनने के लिए ड्रेसेस मिल जाते हैं, उनके ट्राउज़र्स वगैरह, उसके अलावा बच्चों के जो जूते हैं यहाँ से बहुत अच्छी रेंज में मिल जाते हैं। लेडीज़ के ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जूते और हर तरह की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, मेकअप, ज्वेलरी, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल रेंज में आप लोगों को यहाँ से मिल जाती हैं। बस कोरोना के बाद थोड़ा सा मार्केट्स में रश भी है, तो कोशिश कर रही थी मैं कि थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाऊं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये देखिए, ये बच्चों के टॉयज़ की एक शॉप थी यहाँ पर, और मैं बस बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी देख रही थी यहाँ से। इसके अलावा ये डाई वाले यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छी मार्केट है ये। तो बस फिर मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग भी की। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये वहाँ पे बहुत ही मशहूर बुक्स की शॉप है, भाई भाई बुक सेंटर। यहाँ पर मैं गई, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने सोचा चले मैं आपको इसका विज़िट भी करवाऊँ। अब ये ट्रिपल स्टोरी बन चुकी है, जब हम छोटे थे तब तो ये बस सिंगल स्टोरी थी, लेकिन अब ये काफ़ी इन्होंने एक्सपेंड कर ली है। और इनके सबसे जो अपर पोर्शन है वहाँ पर ये टॉयज़ हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी वैरायटी में यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस मैं गई थी, मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी देखने थे, लेकिन वो मुझे यहाँ से नहीं मिले क्योंकि उन पर एक स्पेशल टैग होता है और वो जो इनके पास यूनिफॉर्म थे उस पर वो नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चले वो मैं अपने एरिया से ही ले लूँगी। और बस फिर मैं आ गई, डेकोरेशन की शॉप्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। डेकोरेशन वाली शॉप में भी मैं यहाँ पर गई, मैंने उसको भी विज़िट किया, और इसके अलावा भी काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर डेकोरेशन से रिलेटेड, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। तो मैंने इसके लिए भी कुछ लिया है घर की डेकोर के लिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं कुछ अर्सा पहले ही अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो बस कोई ना कोई चीज़ मैं घर के लिए लेती रहती हूँ कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता एवरी मंथ मैं जाती हूँ और कुछ ना कुछ घर की डेकोर के लिए चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ इस शॉप पे मैं आई, यहाँ से भी मैंने बहुत खूबसूरत एक कलमा शरीफ लिया था, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मुझे ये बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन बस इनके साथ मेरा थोड़ा सा रेट इशू भी बन रहा था। और अगेन यही भाई भाई बुक सेंटर में मैं ये आप लोगों को इसका विज़िट करवा रही हूँ। बुक्स की बहुत अच्छी रेंज थी यहाँ पर, आप लोग भी अगर मतलब जाएं कभी तो आप ज़रूर इस शॉप का विज़िट कीजिएगा, काफ़ी अच्छी हर चीज़ की रेंज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। देन यहाँ पर एक इकबाल टाउन मून मार्केट में ही एक रहीम स्टोर है, इधर भी मैं ज़रूर जाती हूँ, जब भी जाऊँ कोई ना कोई चीज़ें मुझे यहाँ से डिफरेंट मिल जाती हैं। और ये भी स्टोर काफ़ी इकोनॉमिकल है,
वैसे ग्रॉसरी वगैरह का तो कोई प्लान नहीं था यहाँ से, ग्रॉसरी तो मैं अपने घर से जाकर ही करती हूँ, लेकिन ऐसे ही बस कोई ना कोई अगर फेस के लिए चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है और वो काफ़ी अच्छा गाइड भी कर देते हैं। तो चलें आए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करती हूँ जो कि मैंने मून मार्केट से की। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैंने मतलब छोटी मोटी चाहिए थी तो वो ली। ये मैंने एक फेस क्लीनिंग वाइप्स लिए हैं, ये काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, मेकअप रिमूवर हैं। रात को आप कहीं से लेट आएँ और दिल ना चाह रहा हो मतलब फेस वगैरह वॉश करने का और प्रॉपर क्लीन करने का, तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने वहाँ से एक शॉप से ही ली थी चीज़ें, और ये बहुत अच्छा मुझे एक शीट मास्क मिल गया। मैं शीट मास्क काफ़ी यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे रह जाते हैं और मुझे काफ़ी ये पसंद भी हैं। उसके अलावा जी ये बहुत अच्छा एक फ़ेस वॉश मुझे वहाँ पे नज़र आया, इसका मैं फुल रिव्यू आपको दूंगी। आजकल मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ और आप ये देख सकते हैं कि इसके आगे एक एक सॉफ्ट सा ब्रश लगा हुआ है और ये यूज़ करने में इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, मतलब एक तरह से आप फेस वॉश लगाएं और इसे हल्की सी स्क्रबिंग कर लें तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है। उसके अलावा वैसे भी अगर नॉर्मल रूटीन में भी आप इसको यूज़ करना चाहें स्क्रब करने के लिए फेस पे, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट इसका ये जो ब्रश है ना आगे लगा हुआ सिलिकॉन का है। देन ये मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली, ज्वेलरी की रेंज तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी और मेरी फ्रेंड ने तो काफ़ी सारी ज्वेलरी ली थी, मगर मैंने मेरे पास चूँकि काफ़ी थी और इतनी पहनी नहीं जाती रूटीन में, तो मैंने ये इयर रिंग्स मुझे बहुत पसंद आए थे तो ये मैंने लिए थे। इनका स्टाइल बहुत अच्छा था और पहनने भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं ये। देन अगेन बच्चों के स्कूल्स के लिए ये वाटर बॉटल मैंने ली थी, ये पहले मैं कारफोर से लिया करती थी लेकिन मुझे नज़र आई तो फिर मैंने ये ले ली। भाई भाई बुक सेंटर से ये मैंने एक माउस अपने लिए परचेज़ किया था, इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी लैपटॉप वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे चाहिए होता है। देन ये एक मैंने सीरम लिया है फेस के लिए मिस रोज का, अगर ये अच्छा लगा, बहुत इकोनॉमिकल मिल गया था, सिर्फ 250 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया था, अगर अच्छा रहा यूज़ करूँगी, अगर मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे तो मैं ज़रूर आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँगी। आप लोग भी इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और ये ऐसे ही डे में यूज़ करने के लिए मैंने एक गोल्डन पर्ल की लाइट एंड ग्लो क्रीम ली है, फेयरनेस क्रीम है, इसको भी यूज़ करके देखती हूँ, फर्स्ट टाइम देखी थी तो मैंने ले ली। ये एक लिप बॉम ली है मैंने वहाँ से, देन ये मुझे बहुत ही अच्छे बच्चों के जो हैं कपड़े वहाँ से मिल गए और ये मैंने ऐसे ही बच्चों के घर पहनने के लिए लिए हैं और ये वहाँ से स्टॉल से ही मैंने लिए। और ये 300 की एक शर्ट मुझे वहाँ से मिली और इतने इकोनॉमिकल और इनका स्टफ इतना अच्छा है कि आप किसी ब्रांड से भी कपड़े ले लें तो इतना अच्छा स्टफ नहीं होता उनका, भी बहुत अच्छा स्टफ है। मैंने पहले भी घर पहनने के लिए बच्चों के लिए वहाँ से मैं कपड़े ले लेती हूँ तो ये काफ़ी अर्सा चलते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल रह जाते हैं। उसके अलावा आप वैसे भी अगर आप वहाँ जाएँ तो बच्चों के कपड़ों की बहुत अच्छी रेंज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इम्पोर्टेड कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। देन ये ट्राउज़र्स बच्चों के घर पहनने के लिए लिए थे, इनका स्टफ़ और मटेरियल भी बहुत अच्छा था। ये एक शर्ट का पीस मैंने वहाँ से अपने लिए लिया था, जो कमिंग वेदर आ रहा है उसमें मैं इसको स्टिच करवाऊँगी, कोई स्टाइलिश सी लुक दूँगी, और ये सिल्क फैब्रिक पे शर्ट है, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने फिर ये अपने लिए बाय कर ली। और ये भी वहाँ पे पठानों की बहुत सारी शॉप्स हैं और ये मैंने 700 रुपीज़ में शर्ट ली है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो फिर ये मैंने बाय कर ली। अब जब इसको मैं स्टिच करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करवाई है। तो बस, और उसके अलावा अब ये देखिए, अब मैंने ये एक कलमा शरीफ वहाँ से परचेज़ किया था, ये मैंने वहाँ डेकोरेशन की शॉप से लिया था, ये मुझे 800 रुपीज़ में मिला और ये बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, इसको मैंने अपनी वॉल पे भी लगाया है और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और काफ़ी मुझे ये पसंद आया, घर वालों को भी ये काफ़ी पसंद आया। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मेरा व्लॉग आज यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मेरे साथ मिलेंगी। तो चलें बस चलते हैं और अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।